अस्सलामुअलैकुम, उमर रुबाब हमारी न्यूज एंकर हैं और जैन भी हमारे न्यूज एंकर हैं। अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? सलाम, कैसे हैं जैन? मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं आप? आपको वैलेंटाइन डे मुबारक हो सर। हमें कैसे वैलेंटाइन? मैं तो अब आप ही को मुबारक करूंगा क्योंकि वैलेंटाइन डे वाले दिन आप लोगों ने टिक टिकी लगा ली हमारे पास, तो वैलेंटाइन डे थोड़ा सा खराब कर दी है, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। हम सोच रहे थे हम कहीं जाएंगे और डिनर करेंगे, थोड़ा सा सैर सपाटा करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, इंटरव्यू के साथ भी टाइम गुजार लेंगे। हाँ चलें, देखें, आपने वैसे कोई तो अरेंजमेंट किए ही थे ना, तो हम हमारे सामने कर लें या कैमरास के सामने ही कर लें, क्या अरेंजमेंट थे, क्या सैर सपाटे थे आप लोगों के, या क्या गिफ्ट एक दूसरे के लिए लिए हैं, तो वो तो ऐसा होता ही है। सारे प्लान वैलेंटाइन डे के वो एक्सपोज नहीं करना चाहिए। कोई एक तो एक्सपोज होना चाहिए ना, चले सारे नहीं होने चाहिए, हम भी नहीं कहते कि सारे हो, लेकिन एक तो होना चाहिए। अच्छा, हम वही वाला एक्सपोज करेंगे जो घर वालों के लिए, हम डिनर पे जाएंगे बस। अच्छा, नहीं ये तो हो गई ना, चले घर वालों के लिए, हमारे लिए कोई स्पेशल होना चाहिए, हम डिनर पे जाएंगे। डिनर स्पेशल होगा हमारा, अगेन डिनर पे। अच्छा, ये तो है, बहुत सारी गपशप इसमें होती ही रहेगी वैलेंटाइन से रिलेटेड। पहले तो आपको शादी की बहुत ज्यादा मुबारक हो आप लोगों को। वैसे कैसा गुजरा है जैन, आपसे पूछना शादी का एक महीना? नहीं, स्पेशली मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मर्दों से पूछना, मर्दों से पूछने वाला क्वेश्चन होता है, इस वजह से। आप समझ गए हैं कि मेरे दिल पे आप ये मर्दों से पूछा करें, आपके दिल पे क्या गुजर रही है? एक्चुअली चले, हाँ देखो, करेक्टनेस के आपके दिल पे क्या गुजर रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा, अभी नया नया है इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जू जू पुराना होता जाएगा फिर और अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे सरप्राइजेस देते रहूंगी कि इंशाल्लाह इन्हें हमेशा जो है वो न्यूली मैरिड वाला ही फील आता रहे। बस जैन ध्यान रखिएगा कि आपके सरप्राइजेस भारी ना पड़ना शुरू हो। मुझे तो लगता है कि सरप्राइजेस बहुत ज्यादा भारी होना शुरू हो जाते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। वैलेंटाइन हमारे लिए इसलिए भी स्पेशल है कि हमारी शादी को भी 1 month कंप्लीट हो गया और फिर वैलेंटाइन भी, तुम्हारी 2-in-1 सेलिब्रेशन। वैसे जैन आपको ये याद था कि 1 month कंप्लीट हुआ? हाँ मुझे याद था, लेकिन 2-3 दिन पहले तक, आज भूल गया था, तो उन्होंने फोन करके मुझे याद करवाया कि आज 1 महीने, बल्कि उन्होंने मुझे एक पिक्चर भेजी व्हाट्सएप पे, ये ऑफिस गई हुई थी तो इसने मुझे एक पिक्चर भेजी जिसमें लिखा हुआ था कि 1 month एनिवर्सरी। तो फिर मुझे याद आया कि यार आज 1 महीना पूरा हो गया। फिर मैंने एक दोस्त को फोन किया, मैंने कहा 1 महीने का कोई गिफ्ट विफ्ट तो नहीं होता? उसने कहा नहीं। मैंने कहा चलो फिर ठीक है। मैंने कहा शायद इसलिए भेजा कि 1 महीने का भी कोई गिफ्ट होगा। ये तो आपके दोस्त के नजरिए में था कि नहीं होता, लेकिन इनके नजरिए से भी पूछते क्या होता है? वैसे होता तो है, हर वीक का भी गिफ्ट होता है, मंथ का भी गिफ्ट होता है। ये ना आलू गोभी सब्जी गिफ्ट में ले आए कि ये लो तुम्हारे इस मंथ का गिफ्ट है। ये एक्सपेक्ट करते हैं किसी खातून से, किसी औरत से, कि वो ये कहे कि गिफ्ट नहीं होता, इनका बस चले ना, तो ये रोजाना गिफ्ट होता है, जब हस्बैंड घर आए गिफ्ट लेकर आए। खातून से तो एक्सेप्ट करता हूँ कि ये होता है, लेकिन आप लोगों से ये बिल्कुल यकीन मुझे है कि आप लोग भूल जाते हैं हमेशा। हम मर्द हजरातों का यही प्रॉब्लम है कि लोग भूल जाते हैं। पहले हमारी इंगेजमेंट की भी डेट याद नहीं होगी, इवन इन ईयर भी याद नहीं होगा, लेकिन मुझे इंगेजमेंट की डेट, ईयर, डे क्या था उस दिन, मुझे सब चीजें याद है, उनका थोड़ा बहुत याद है। या आप पूछ के देख लें, वैसे आप बता देना, चले उनसे तो हम पूछते ही रहते हैं। अच्छा, फिर इनकी तरफ से गिफ्ट पक्का है? हाँ, गिफ्ट आप ही की तरफ से पक्का है। देखिए अब आप गिफ्ट सवाल के जवाब जो देगा वही गिफ्ट भी देगा। गिफ्ट विफ्ट वाली बात तो देखिए, अब उनकी तरफ भी प्रेशर होता है, तो आप भी कुछ गिफ्ट विफ्ट दे। डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मेरा साथ दे रहे हैं वो। नहीं, मैं आपका साथ नहीं दूंगा, मैं अपना होस्ट का साथ है। पॉलिटिकल टॉक शो के अलावा आप जो कर रहे हो, न्यूज एंकरिंग भी कर रहे हो, तो आपको बड़े प्रपोजल्स आए होंगे, तो आपने सिर्फ जैन ही को क्यों चूज किया? जब आप एक फील्ड में होते हैं और स्क्रीन का फेस होते हैं, ना सिर्फ आपके कोलीग्स बल्कि तो जैसे भी प्रपोजल्स आ रहे होते हैं, लेकिन मैंने इनको कभी इतना सीरियस लिया नहीं। तो सीरियस नहीं लिया, तो फिर एकदम ज्यादा सीरियस ले लिया। जैन साहब ने कुछ जादू चलाया जो सीरियस। 2 years back हम लोग 2018 में हम लोग टर्की गए थे, तो हमारा एक वो था ट्रेनिंग थी वहाँ पर शाम के बॉर्डर पे। हाँ, तो काफी जर्नलिस्ट थे, ये भी थी और मैं भी था, तो वहाँ पर भी हम लोग मतलब लाइक एक ही वो ग्रुप में थे, बातचीत हमारी बिल्कुल नहीं थी। जब हम वहाँ से वापस आए थे तब भी बातचीत नहीं थी, तो ये मतलब टोटली ये अरेंज हुआ। लेकिन जिन लोगों को ये पता था कि हम लोग टर्की साथ गए हुए थे वो 3-4 महीने पहले, तो सब लोगों को यकीन था कि यार ये वहाँ पे टर्की में कोई, हालांकि हम मतलब काफ़ी जर्नलिस्ट थे, लाहौर के भी कई जर्नलिस्ट थे, कराची के भी कई जर्नलिस्ट थे, इस्लामाबाद से थे, तो वहाँ पर भी हमारी बातचीत नहीं थी। हम वापस आए तो फिर फैमिली इंटरेक्शन हुआ आपस में,
तो फिर ये सारा जो है ना वो जो छुरी फिरी इधर गले पे कुर्बानी जो हुई असल में, तो वो इस तरह हो। अच्छा आपने पूछा ना कि इनकी क्या बात आपको अट्रैक्ट की, तो टर्की टूर पे ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हम लोग वापस आए और फिर जब वो प्रपोजल आया इनकी फैमिली की तरफ से, तो फिर जब मैंने रिकॉल किया कि हाँ इनकी क्या क्या बातें अच्छी थी, तो ये मुझे बहुत मासूम लगे। लड़के सारे मासूम ही, असल में इसको कोई नेगेटिव बात नजर नहीं आई, तो फिर इसने जब लिस्ट बनाई तो इसने देखा कि सारी पॉजिटिव चीजें हैं, तो फिर कोई और मुझे लगता है कि वो टपक रही थी ज्यादा, तो आपने कहा कि चलो प्याला भरा हुआ है तो उठा के पी लूं, है ना। वो टपक ही रही थी मतलब जनरली नहीं थी वो सारी तो आप अच्छा, तो अभी तक शादी के बाद की जो अभी तक का ये जो मंथ प्रोसेस गुजरा है, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो पता लगी होंगी, जो ज्यादा आपको नहीं भी पता थी। मासूमियत में जो टपक रहा था, जो छुपा हुआ था, वो नजर नहीं आया होगा, लेकिन उस मासूमियत में कोई ऐसी खुनास चीजें जो आपको इरिटेट करी होंगी, यार ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसा कुछ। अच्छा वैसे अल्लाह का शुक्र है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी लिस्ट छुपाई नहीं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सोचूं कि हो ये बात मुझे शादी से पहले क्यों नहीं पता चली, मैं जैसे हैं वैसे ही बिल्कुल थे। लेकिन एक चीज़ इरिटेट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये थोड़ा सफाई पसंद बहुत ज़्यादा है, ये कहते हैं ये भी साफ हो, वो भी साफ हो, ड्रेसिंग भी साफ हो, फ्लोर साफ होना चाहिए, तो मुझे ऑफिस के साथ साथ जो है वो रूम भी पूरा मैनेज करना पड़ता है इनकी वजह से स्पेशली, मैं थोड़ा सा भी मैसी नहीं रख सकती। अच्छी चीज तो नहीं है ये, आपने डरावा रखा हुआ है कि भाई साहब ये जो टिकटिकी देखने वाले हैं व्यूअर्स, वो डिसाइड करेंगे कि ये अच्छी चीज है या नेगेटिव चीज है। तू ये इसमें वैलेंटाइन कैसे गुजरते रहे, बुलेटिन टू बुलेटिन वाला, कि उधर से आपने बुलेटिन मारा, ये लो भाई ये लो भाई, बुलेटिन का जवाब प्रोग्राम के सूरत में देंगे। ये प्रोग्राम कर रहे होते थे और मैं न्यूज कर रही होती थी, तो ये था कि हम लोग कुछ टाइम मैनेज कर लेते थे और गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज होते थे और डिनर पे हम लोग चले गए। सरप्राइज मैंने इनको मतलब दिए घर पर, मैं अंदर आती नहीं थी, बाहर से ही वो मदर इन लॉ के साथ मिलकर उन्हें कॉल कर ली, उन्हें साथ लाइनअप कर लिया कि अम्मी मैं फलां वक्त पे निकलूंगी, फलां वक्त पे पहुंचूंगी। का सरप्राइज था नहीं, वैलेंटाइन का था। अच्छा वो बर्थडे का सरप्राइज था, ये मैक्स ये देखे ना, अब ये क्रेडिट ले रही है एक्स्ट्रा, क्या ये एक्स्ट्रा क्रेडिट ले रही है। मुझे याद है उस दिन मेरा वीकली ऑफ था या शायद नहीं था, मैंने मॉर्निंग शिफ्ट की थी, उसके बाद मैंने पूरी तैयारी एक दिन में की थी, चॉकलेट्स लेने गई, फिर मैं गिफ्ट लेने गई, फिर मैं पैकिंग कराने गई, फिर मुझे फूल नहीं मिल रहे थे। वैलेंटाइन डे था उस दिन, वैलेंटाइन डे था, फूल नहीं मिल रहे थे, फूल के लिए, फूल के लिए क्यों चाहिए, फूल नहीं मिल रहे थे। लेकिन आपने फिर भी विश नहीं किया, ये बात देख। मैं बड़ा आराम से रात को बैठा हुआ घर, मेरा ख्याल कोई शो चल रहा था 11 बजे, तो मेरी अम्मी बाहर गईं, अम्मी जान बाहर गईं, तो अम्मी ने इतने बड़े वो गिफ्ट्स उठाए, चॉकलेट्स उठाई हुई, और वो अंदर आ गई। मैंने कहा अम्मी ये कौन देखे गया, तो मुझे पता नहीं चला। अच्छा मैंने थोड़ी देर बाद अम्मी के मोबाइल में देखा, तो अम्मी ने बाहर इसके साथ तस्वीर भी ले ली थी, एक रिकॉर्ड के लिए कि ये इस टाइम यहाँ पर आई थी और आके सारी चीजें देकर गई हैं। तो सरप्राइज अच्छा लगता है ऐसा, लेकिन शादी से पहले तक बहुत अच्छा लगता था। तो आप अभी तक महीने में कोई सरप्राइज दिए आपने? अभी सारी बातें ना ना पूछे, अभी है सरप्राइज पेंडिंग है, अभी पेंडिंग है भाई, रेडी रहे इस बार के लिए ना, इसको कोई सरप्राइज, मुझे काफी सरप्राइज मिल चुके हैं कि मैंने अलफता जाना है तो उसके लिए मैंने कोई लोशन लेकर आने हैं, मैंने क्रीम लेकर आनी है, मैंने ये लेकर आना है, वो लेकर आना है, तो बंदे को ना काफी सरप्राइज मिलते हैं।